बोल दो आप मुझे जाने दो प्लीज अभी अभी आप घर ही जाएंगी भिवाड़ी जाएंगी जा रही अभी आप हमें चाहता है पाकिस्तान पाकिस्तान की क्या रक्षा है इस समय आपका पाकिस्तान की रक्षा क्या हमेशा के लिए लौट आई है क्या वापस जाएंगे आप पाकिस्तान अब या हमेशा के लिए आप हिंदुस्तान अभी 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 कहाँ जाएंगे भिवाड़ी जाएंगे या फिर दिल्ली में रहना है अभी मुझे बस ये बताओ आज की परेशान किया जाए बजे नहीं है आप मुझे अभी जाना है मेरे पैर की तबीयत ठीक नहीं है और मैं कोई बात बच्चों को वापस लेके जाएंगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं एजेंसियों ने क्या क्या पूछा एजेंसियों ने क्या सवाल किए और आपने क्या जवाब दिया ये बताइए बच्चों को लेने वापस आए अब कहाँ जाएंगे अब कहाँ जाएंगे अब आप कहाँ जाएंगे अन्य किया जाए अंजू एजेंसियों ने क्या सवाल किया आपसे एजेंसियों ने क्या सवाल बताइए मैं मना नहीं करती पर ये तरीका अच्छा है आप आराम से बात करिए मूड में नहीं मैं अपनी अंजू आपका क्या आप पाकिस्तान जाओगे दोबारा पाकिस्तान में आपसे व्यवहार किया गया है भारत आए हो क्या बच्चों को वापस लेने के लिए गाली नहीं गाली गाली नहीं गाली नहीं गाली नहीं गाली को दे रहे हो अरे ये मर जाएगी आप अरे मैं भी आप कौन है आप कौन अरे यार भाई चाहते अच्छा हाथ जोड़ वाले अंजू आप पाकिस्तान आप बच्चों आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो कुछ लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आए हुए हैं बाकायदा उनको जो है सुरक्षा के साथ आगे की तरफ जाने दे रहे हैं लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया है कि अब वो यहाँ से पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी बच्चों को साथ लेकर जाएगी या नहीं जाएगी मुझे बहुत सारे सवाल कहाँ जाना है आपको तो ये बहुत सारे सवाल है जिसमें आपसे ने जो शादी की थी उसके सबूत है आपके पास एजेंसियों को आप कोऑपरेट कर रही हैं बता रही हैं पंजाब और आईबी ने क्या सवाल किए तो आपने देखा कि किस तरह से अभी भी अंजू कुछ बोलने से मना कर रही है और आगे की तरफ वो जो है जाना चाहती है लेकिन साफ है जो एजेंसियां हैं वो लगातार उसे पूछताछ कर रही हैं और साफ है कि यहाँ पर भारत में आने के बाद उसका पड़ाव क्या होगा एजेंसियां लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं कि वह किससे मिलेगी और हालांकि पूछताछ में ये पता लगा है कि उसके शादी के कोई सबूत नहीं है लेकिन उसने ये भी कहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है अंजू को नसरुल्ला से मिली थी और उसके बाद नसरुल्ला से उसने शादी की थी तो साफ तौर पर आप देखेंगे फिलहाल ये गाड़ी है और उस गाड़ी से आगे की तरफ पहुंची रजिस्ट्रेशन 17-22 नंबर ये कार है जिसके जरिए आप देखेंगे अंजू उर्फ फातिमा ये साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से और ये देखिए जिस गाड़ी से वो जा रही है उस पर आप देख सकते हैं और बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है HR14U7722 इस कार से वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है लेकिन साफ है कि अंजू उर्फ फातिमा ने साफ तौर पर एजेंसियों की पूछताछ में अपने सवालों का जवाब दिया है और साफ तौर पर उसने बोलने से कुछ मना किया है।